Good morning, all of you. We are here to analyze the new syllabus of corporate law and economic law. Yes, paper 4, CA final law, new syllabus. अब इसका नाम चेंज हो चुका, पहले आपको याद होगा कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ हुआ करता था, अभी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ हो गया है. तो कॉर्पोरेट लॉ इज ऑफ 70 मार्क्स. कॉर्पोरेट लॉ जो आपका 70 मार्क्स का है, उसको इंस्टीट्यूट ने दो पोर्शन में डिवाइड किया है, एक है कंपनी लॉ और एक है सिक्योरिटीज लॉ. आप बोलेंगे कॉर्पोरेट लॉ और कंपनी लॉ एक है, बिल्कुल, बट कॉर्पोरेट के ऊपर ही तो सिक्योरिटी का भी लॉ अप्लाई होगा. आज जो सेबी लॉ बनाता है, कोई पार्टनरशिप के ऊपर तो अप्लाई होगा नहीं सेबी का लॉ. सेबी का लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन कंपनी. विच कंपनी? लिस्टेड कंपनी या फिर द अनलिस्टेड कंपनी विच इज अप्लाइड फॉर लिस्टिंग टू एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. या तो लिस्टेड है वो कंपनी या फिर वो कंपनी अप्लाई किया लिस्टिंग के लिए, तो उसके ऊपर भी तो सेबी का ही लॉ एप्लीकेबल होगा. तो कॉर्पोरेट लॉ में आपको दो चीज पढ़ना है, एक है कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें सेक्शन 149 से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है. पुराना सिलेबस जो हम लोग का सीए फाइनल कर रहता था, इट यूज टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 123, बट सेक्शन 123 से लेकर के 148 तक इंस्टीट्यूट ने इंटर में डाल दिया है. तो नया सिलेबस अपना सेक्शन 149 से स्टार्ट होता था, वेयर एज द प्रीवियस सिलेबस यूज टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 123. राइट नाउ द सिलेबस इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 149 टिल 470. जितने भी नोटिफाइड सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशंस, चैप्टर्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, सब एप्लीकेबल रहेंगे. नया चीज क्या लग गया? सीएसपी, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस. कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस यानी ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग में आपको चार चीज पढ़ना रहेगा, नोटिस का ड्राफ्टिंग, मिनट्स का ड्राफ्टिंग, रेजोल्यूशंस का ड्राफ्टिंग एंड रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स का ड्राफ्टिंग. नाउ सिक्योरिटीज लॉ में वी आर हैविंग सिक्रा एंड सेबी, दीज टू चैप्टर्स. इकोनॉमिक लॉ, पहले अलाइड लॉ हुआ करता था, अब अलाइड लॉ को हटा करके इन्होंने इकोनॉमिक लॉ में 6 चैप्टर्स डाला है. इकोनॉमिक लॉ इन्होंने बोरो किया है सीएस एग्जीक्यूटिव से, एक पेपर है सीएस एग्जीक्यूटिव में इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ बोल करके, उसमें इन्होंने इकोनॉमिक लॉ का पोर्शन पूरा डाल दिया है सीए फाइनल में. फेमा 1999, सरफाशी 2002, पीएमएलए, समझते हैं पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन 1996. पहले भी फेमा था, पहले भी सरफाशी था, पहले भी पीएमएलए था आप लोग के सीए फाइनल में, पहले भी आईबीसी था फ्रॉम नवंबर 2017 ऑनवर्ड्स. आईबीसी पुराने सिलेबस में भी था फ्रॉम नवंबर 2017, आईबीसी को इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर रखा है, नया सिलेबस में भी आईबीसी है. तो नए चैप्टर्स दो ठो डाले गए, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट. आर्बिट्रेशन कंसिलेशन इसलिए डाले गए हैं बिकॉज नाउडेज मोर देन 50% ऑफ द केसेस आर गेटिंग सेटल आउटसाइड द कोर्ट through arbitration route, and chartered accountant must have a sound knowledge of arbitration and conciliation 1996 so that he can play a vital role in settling the cases outside the court, because practically we are seeing the arbitration cases seeing a manifold increase, that is why. And foreign contribution regulation ek bahut hi simple chapter hai 2010 ka, ye ek thoda la gaya, isme sikhaya jata hai ki kon kon hum log ke hindustani log foreign contribution yani bahar se chanda nahi le sakte. ऑब्वियस बात है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह लोग को हम लोग डिसअलाउ करते हैं, जो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन रहते हैं, जो हम लोग के यहाँ पर जज हैं, उन लोग सबको डिसअलाउ किया गया. ये एक चैप्टर नया डाला गया, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इजी आल्सो. तो पूरा सिलेबस हैज बीन रिवैम्प्ड. कॉर्पोरेट लॉ 70, इकोनॉमिक लॉ 30. तो ये सिलेबस जो है ज्यादा प्रैक्टिकल कर दिया गया है, इसमें आलतू फालतू चीज जो दरकार नहीं है वो सब हटा दिया गया, और जो चीज दरकार है वो सब चीज को लाया गया है. सो दिस इज अ न्यू सिलेबस. Let us start with the new syllabus. Okay. Thank you. Bye-bye.